मसूरी में विभिन्न मांगों को लेकर म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन देकर कॉलेज की समस्याओं से अवगत कराया। तो वहीं छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कॉलेज में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है और पाठन में भी छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, साथ ही शिक्षकों की कमी भी बनी हुई है जिससे कॉलेज में छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारी जो लंबे समय से मांग चलती आ रही है, 2019 में मेरा छात्र संघ पैनल में जीता था, हमने तभी छात्र सूत्रीय मांग रखी थी, जो कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो हमारे कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमने उनसे छात्र सूत्र मांग ये रखी थी कि हमारे कॉलेज में जो हमारे शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो कि 12 शिक्षक की नियुक्ति के पद खाली हैं, उसे अनदेखा कर दिया गया है। हमारे कॉलेज की आप स्थिति अंदर से जाके देखिए, उसमें रंग पुताई का एक टेंडर हुआ था दो या तीन महीने पहले, हो चुका है, जो कि 4 लाख का है, जिसमें हमारे संपूर्ण कॉलेज में रंग पुताई होनी थी, परंतु उसको भी अनदेखा कर दिया गया है। जिसे वो टेंडर मिला या तो वो जाने या नगर पालिका जाने, परंतु हमारे धरातल कॉलेज एमपी कॉलेज पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमने जो इसमें एक मांग रखी है, हमारे कॉलेज परिसर की हालत देखिए, नीचे जाके ऐसा लग रहा है जंगल जैसा है, दीवारों पर घास उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई है, हमने उसकी काटने के लिए हेतु नगर पालिका जी को बोला है कि कटवाएं आप। अब हर चीज के लिए हम छोटी से छोटी जानकारी के लिए ज्ञापन देते रहेंगे तो फिर ये क्या होगा, और उस पर अनदेखा कर देती है हमें नगर पालिका, या हमने कॉलेज में हमारे प्राचार्य जी को भी ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जो 12 शिक्षकों की नियुक्ति यदि सरकार ने रोकी हुई है, सरकार तो निकम्मी है, नगर पालिका के अंतर्गत हमारा कॉलेज आता है, आप अपनी तरफ से शिक्षक की नियुक्ति करिए ना, हम आपका समर्थन करेंगे। हमें तो शिक्षकों की आवश्यकता है, हमारे छात्र बाधित हो रही है, हमारी पूरी शिक्षा बिना शिक्षकों के तो शिक्षक पूरी हो ही नहीं सकती। हमारी सरकार का काम है केवल जुमलेबाजी करना, नई नीति शिक्षा नीति लाई है, परंतु एक भी शिक्षक नया कहीं भी नहीं गया। हम चाहते हैं कि ये नगर पालिका का है, हमारा एकमात्र डिग्री कॉलेज पूरी मसूरी विधानसभा, यहाँ मसूरी विधानसभा के गांव आते हैं, दूर दूर गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, यदि यहाँ पर शिक्षक नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? या तो आप चाहते हैं सब VIP कॉलेजों में नीचे देहरादून जाके पैसा खर्च करें, या कॉलेज ये बंद हो जाए, हरास की ओर जाए, परंतु ऐसा ना करें। हमारे कैबिनेट मंत्री मसूरी के से जो उत्तराखंड के मंत्री अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो भी मसूरी विधायक हैं, हमारे कॉलेज के ही नगर पालिका अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं, हमारे इससे पूर्व भी MPG कॉलेज से बहुत सारे अध्यक्ष नगर पालिका में रहे हैं और हमारे कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं, परंतु आप विकास देखिए इस कॉलेज का, कहाँ विकास हो रहा है? हमारी बारिश अगर तेज हो गई तो हमारा MPG कॉलेज मच्छी बाजार बन जाता है। देखिए कई विषय भी हैं यहाँ जो विषय पूरे नहीं हैं, उसको लेकर भी कई बार आंदोलन किया गया है, अभी तक विषय सब्जेक्ट जो है पूरे तरीके से नहीं हो पाया है। देखिए हम चाहते हैं एकमात्र डिग्री कॉलेज पूरी मसूरी विधानसभा में है, यहाँ पर यदि BEd खुल जाएगा तो सुविधा होगी क्या उससे हमें हानि होगी? सुविधा ही होगी, जो देहरादून जा सकता है वो यहाँ ही आ सकता है, वो यहाँ खुश भी होगा, हमारा लोकल एरिया है, BEd खुल जाए, होटल मैनेजमेंट की व्यवस्था हो जाए, परंतु नहीं, कॉलेज की तरफ को तो घूम के देखना ही नहीं। हमारे वार्ड मेंबर हैं, जिसके वार्ड में मैं MPG कॉलेज पढ़ता है, वो खुद यहाँ उपस्थित नहीं। इसके छात्रों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कुछ मांगे इनकी जायज हैं, काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जो कि शासन स्तर पर उसमें रोक लगी हुई है, और जहाँ तक बात शिक्षकों की कमी है, कुछ हद तक जो है नगर पालिका द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, कुछ विषय में शिक्षक जो है वो संविदा पर रखे हुए हैं। जहाँ तक रंग पुताई का सवाल है, काफी लंबे समय से कॉलेज में रंग पुताई नहीं हुई है, लेकिन जब हमने अध्यक्ष जी से इस संबंध में वार्ता की थी और उन्होंने इसमें टेंडर किया हुआ है, प्रक्रिया में है, जैसे ही बरसात शुरू होगी रंग पुताई शुरू कर दी गई है, ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया। नए कोर्सों की काफी लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन अभी जो है पहले हमारी जो कोर्स चल रहे हैं उसी में नियुक्तियां हो जाएं, उसके बाद नए कोर्सों की प्रक्रिया शुरू की सर। नहीं, क्योंकि एकमात्र महाविद्यालय जो है शहर का हमारे पास है और पूरे जो उत्तराखंड में है ये नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र महाविद्यालय है, और क्योंकि कुछ कमियां हैं जो धीरे धीरे पूरी कर दी जाएंगी और उसमें प्रयासरत हैं, और उसमें जो है हमने शासन को भी लिखा है और अपने निदेशक महोदय को भी अवगत कराया है कि हमारी जो कमियां हैं इनको पूरा किया जाए, अपना हमारे प्रबंध तंत्र के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं
उनमें भी हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। और जैसे ही चूंकि अभी तो पिछले दो वर्षों से कोविड काल चल रहा है, जो हमारी अन्य गतिविधियां रुकी हुई थी उनको भी हम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि नगर पालिका हमारी जो है पूरे देश की सबसे रिच पालिका है, लेकिन हम तो उनको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ें पूरी कर दीजिए। कुछ हद तक चीज़ें पूरी भी होती हैं, एक डिमांड पूरी होती है तो दूसरी अपनी जगह आ जाती हैं। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये तो चीज़ आप उनसे पूछिएगा कि भाई इस और भी विशेष ध्यान दें।